चलो ओके। तो देखो इसमें एमसीक्यू के लिए क्या मटेरियल आ सकता है। सो वी गॉट दिस इक्वेशन, ओके ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब याद कैसे रख सकते हैं इसको? सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन के फॉर्म में हमको मिला है। तो अगर मेरे पास Q1 है और Q2 है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्या है? तो ये होता है लाइक चार्ज। अगर ये लाइक चार्ज, क्या होगा? लाइक चार्ज है तो ऐसी कंडीशन होगी, तब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्या होगा? समझ आ रहा है? ठीक है। अगर Q1 Q2 लेस देन जीरो और अनलाइक है, सो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो नेगेटिव में होगी। ठीक, ये MCQ के लिए मटेरियल है। यहाँ से अगर MCQ कोई आ सकता है तो ये वाला आ सकता है। ठीक है। सो Q1 Q2 तो क्या होगा? लाइक चार्ज, रिपल्सन की अट्रैक्शन, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, सही है ना? अब देखो आप फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो। अगर आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है तो जैसे कि मैंने आपको डिराइव करके तो बता दिया, सिंपल याद रखना है कि मेरे पास कौन सा चार्ज था Q1, ये कौन सा चार्ज था, यहाँ पे ध्यान याद रखने के लिए। ये आज तक पूछी नहीं है बट हाँ MCQ और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी है। सो Q1 चार्ज है, फिर हमने क्या लिया था, तो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस क्या है, R1 आ गया। फिर कौन मार्केट में आया, तो K Q1 Q3 बाय R13, देन K Q2 Q3 बाय R23। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी इसको यहाँ से ला। ओके, अब देखो इसका अगर मुझे एक ही फॉर्मेट में एक ही फॉर्मूला लाना है तो कैसे हम बोल सकते हैं? अब देखो क्या फाइंड करना है हमको, वो होता है, वो होती है यू इज इक्वल क्यू इंटू वी। समझना मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू इंटू वी, क्यू एज इट इज, व्हाट इज वी फॉर्मूला? यस यस, के क्यू बाई आर। तो मैं अगर ऐसा लिखूँ Q1 Q2, तो आप देखो K Q1 Q2 बाय R12, K Q1 Q3 बाय R13, ऐसे हो सकता है। तो K Q2 Q3 बाय, तो उसको एक्सप्रेस करना है सिंपल फॉर्मेट में, तो आपको बस इतना याद रखना है, नथिंग एल्स। ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसका सिंपल फॉर्मेट। ठीक है, क्या लिखा, U इज इक्वल टू, तो एग्जाम में अगर भूल भी जाते हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यू वी की जगह पे के क्यू बाय आर, बस। फिर अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन यू विल सॉल्व MCQ और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल व्हाट एवर इट इज़, बराबर। तो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो अगर आप उसको सॉल्व करो ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। पहले लिख दो, टू पॉइंट टू तो किया ना हमने, 2.4 देखो, यही बच्चों को हार्ड लगता है इजी। हाँ हाँ, इज इट डन, ये हो गया, ये तो हो गया। तो बुक का माथा है उसके ऊपर लिख दो, यू इज इक्वल टू क्यू वी, व्हाट इज यू, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्लास 11th में पढ़ा था, मैकेनिकल, मतलब फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट होते हैं ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चल रहा है,
मैकेनिकल में हमने MGH लिया था, मे भी MGH लिया था, फॉर्मेट बदल गया, क्यू भी आ गया, ठीक है। 2.4 करते हैं, एग्जाम्पल 2.4, इफ यू हैव अ बुक सो यू मे, थैंक यू। चलो एग्जाम्पल 2.4, देखो सबका ध्यान यहाँ पे, एक क्वेश्चन सॉल्व बच्चे नहीं कर पाते। एग्जाम्पल 2.4 पेज नंबर 63, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल 2.4। अब देखो मुझे व्हाट इज गिवन टू अस, मतलब मुझे गिवन है ए पॉइंट, मान लो कि ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ ए बी एंड सी और डी। बोला गया है यहाँ एक सेंटर है, सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट है, क्या है, और इस पॉइंट को बोला गया है ई, क्या बोला गया है, अब बोला गया है इसका चार्ज होगा प्लस क्यू, इसका चार्ज होगा माइनस क्यू, देन इसका चार्ज होगा प्लस क्यू, देन इसका चार्ज होगा माइनस क्यू। चलो मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क फाइंड करना है, लिसन, ओके। नंबर वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है U इज इक्वल टू क्यू वी या W ले लो, वही होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको U1 नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, एक Q है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चार्ज, Q क्या होता है, चार्ज ऑन B इंटू वी, चार्ज ऑन बी, चार्ज ऑन बी का है कौन सा है, माइनस क्यू, वी क्या है, के ए लेना है विद रिस्पेक्ट टू ए, के क्यू बाय आर, आर यहाँ पे डी डी क्यू है बुक के अकॉर्डिंग, तो के क्यू बाय, ओके माइनस के एज इट इज क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय डी, ये क्या हो जाएगा, मैंने कभी बताया ना, इसको यहाँ पे ब्रिंग लिया, फिर ए लिया, फिर ए वाला तो क्या हो जाएगा, वही पॉइंट पे है ना, तो ए विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहा है, ठीक है। अब कौन सा आ जाएगा, सी, तो अब ध्यान से देखो ये क्या है, डी, ए भी क्या है डी, ए भी क्या है, भी क्या है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यस सर नो, तो पाइथागोरस क्या बोलेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए सी डी क्या हो जाएगा, टू डी स्क्वायर, राइट, सो ए सी इज इक्वल टू रूट टू, टू का रूट, रूट टू, डी स्क्वायर का कट हो जाएगा, तो ए हमारा ए सी आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया था अपना U1। नाउ सेकंड, अगेन U2 इज इक्वल टू क्यू वी, लिखेंगे चार्ज ऑन C इंटू V, चार्ज ऑन C क्या है, प्लस Q, ये लिखूंगा मैं प्लस Q। अब देखो ये है ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ कितना है, V का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला, V है ना ये, हाँ, माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, D, अभी कौन सा चार्ज है, प्लस के क्यू बाय रूट टू डी। अगेन देखो Q एज इट इज, चार्ज ऑन कहाँ पे, सी का चार्ज कौन सा होगा, ए क्या हो जाएगा, वी, तो यहाँ से यहाँ क्रिएट कौन सा वी होगा, माइनस के क्यू बाई डी, देन के क्यू बाई हो जाएगा, समझ आया, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो,
माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? यू थ्री, यू थ्री क्या होगा? क्यू वी चार्ज ऑन डी इंटू चार्ज ऑन वी क्या है? माइनस क्यू। अब देखो यहाँ से यहाँ ले लो, पहले यहाँ से क्या था, कौन सा चार्ज है? के क्यू बाय डी। यहाँ से यहाँ ले लो माइनस के क्यू बाय बस रूट टू डी। फिर यहाँ से यहाँ ले लो प्लस के क्यू बाय डी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, माइनस माइनस, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी, रूट टू डी, माइनस प्लस माइनस के क्यू बाय डी। हाँ, वेरी गुड, सही बात। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर ए, ए अपना बा और ए सा। ठीक है, क्या बात है, अरे अजीब है। चलो, सो मैं सबका समेशन कर रहा हूँ, बदला ले रहा हूँ। सो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, यू इज इक्वल टू, यू वन की वैल्यू क्या है? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, यही तो लिखा। चलो यू टू क्या है? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी, रूट डी नहीं बोलते वो। चलो ये क्या है? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी दिख रहा है। चलो वेरी गुड, के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी आएगा ना, अब आएगा आराम से। चलो अब देखो, सो यू इज इक्वल टू माइनस एक बार एक देखो, डी 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 कितने टर्म है? फोर, डी 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 पेपर रोड है, तेरे पेरेंट्स देखेंगे। डी 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 कितनी बार है? और वो भी सब माइनस है, तो फोर टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय डी है। चलो के क्यू स्क्वायर अंडर रूट टू डी कितनी बार है? प्लस टू के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी, कॉमन दो निकाल लेते हैं, के निकाल देते हैं, क्यू स्क्वायर निकाल देते हैं, डी भी निकाल देते हैं। तो सब पहला ये लिखता हूँ दिस टर्म, सो क्या बाकी बचेगा? टू के क्यू स्क्वायर कॉमन, ओके बाय डी, डी भी कॉमन होगा ना, ब्रैकेट वन अपॉन रूट टू, पहले ही लिख देता हूँ वन अपॉन रूट टू। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस टू कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लिखो मत। चलो अब क्या करेंगे बताओ? हाँ कहा तो एक काम करो, दो दो ले नहीं लेना है। चलो तो क्या आ जाएगा? ए ए बेश बताता हूँ, कैंसिल हो जाता है तो क्या सस्ता सौदा है। चलो U इज इक्वल टू दिख रहा है, सो देखो K Q स्क्वायर बाय D, ये क्या है अपना? टू है ना, अच्छा तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ रूट टू बाय रूट टू, आया सस्ता सौदा, रूट टू सो के क्यू स्क्वायर बाय डी रूट टू माइनस फोर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, समझाओ और एक बार, हो गया क्लियर? बोलो, देखो यू वन यू टू और यू थ्री है ना, एक मिनट बता, उसका भी मेरे पास आंसर है। यू वन किसकी वैल्यू क्या है ये लगाई, ध्यान दो यहाँ पे, यू टू की वैल्यू क्या लगाई ये वाली, यू थ्री की वैल्यू क्या है, तो सबको लिख दिया पहले,
मैंने एक बार माइनस दो बार पहले डी देख लेने का, डी 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 वाले कितनी टर्म है, फोर, कितनी टाइम्स है, वन टू थ्री, तो माइनस फोर टाइम के क्यू स्क्वायर बाई डी आ गया। अब प्लस वाली टर्म कितनी है, दिस वन और दिस वन, सो टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू डी। मैंने अब क्या किया देखो ध्यान से, ये मैंने लिख दिया, मैं दो को कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ बिकॉज ईजी हो जाए इसके लिए, मैं सिर्फ के क्यू स्क्वायर बाई डी को निकाल रहा हूँ, जो राउंड किया ना उसको, यहाँ पे क्या राउंड किया, के क्यू स्क्वायर बाय डी, यहाँ पे क्या राउंड किया, के क्यू स्क्वायर बाय, अब कौन बाकी बचेगा, माइनस फोर बाकी बचा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस फोर, कौन बाकी बचा, टू बाय रूट टू, तो क्या लिख दिया, टू बाय रूट टू। सो टू को कैसे लिख सकते हैं, फोर का रूट क्या होगा, होगा ना, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू टू, अरे 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 आपको समझ आ रहा है दूसरे को, टू इंटू टू, टू इंटू टू फोर, ऐसा लिख दिया टू टाइम्स रूट टू इंटू रूट टू भाई क्या हो जाएगा, रूट टू, रूट टू, रूट टू कैंसल, क्या बाकी बचेगा, रूट टू माइनस फोर। अब किसने बोला सर माइनस है, हाँ ऐसे भी लिख सकते, ये दिख रहा है, हाँ, सब दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, किसने बोला ये माइनस है, ठीक है मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, चलो के क्यू स्क्वायर बाय डी, राइट। तो अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस रूट टू, अब मैच हो रहा है, अभी देखो माइनस माइनस प्लस रूट टू आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, यही है ना, और कोई शक, ठीक अच्छा ये चेंज कर दिया, ये मत लिखो बस इनफ इतना, अरे अरे वो भी बता देते, वो भी बता देते, एक के है ना, के क्या है, अरे आप तो बहुत स्कॉलर हो, के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, बस और कोई डाउट है, पक्का ना, मस्त लिखा है हमने।